राजा बनने के महज 24 दिन के बाद में इनका कत्ल हो गया था। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको शाहबाद ने वो सुरंग दिखाई थी जो यहाँ से गई थी आंवले से रामपुर के लिए, तो मैं बताता हूँ कि वो सुरंग आंवले से गई है कहाँ से गई है, उसका गेट है कहाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज तस्लीम मलिक, यू आर वाचिंग तस्लीम मलिक व्लॉग। गाइस, इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूप है, ये देख सकते हैं आप, क्या मौसम है, एक नंबर। तो गाइस, आज का मेरा कोई खास प्लान नहीं था ब्लॉग बनाने का, बाकी मैं दोपहर में सोने जा रहा था तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यार क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए। 2-3 दिन हो गया मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मेरी ऑडियंस जो है वो कहीं भटक ना जाए, कहीं चली ना जाए। तो आप लोगों के लिए तुम्हारा भाई दोपहर में वीडियो बनाने के लिए निकला है। तो मैंने अभी अजय को फ़ोन किया था कि अजय ब्लॉग शूट करने जाना है अपने को, तो मेरे को सीधा गाली देके बोलता है, क्या रे तुमको दोपहर में चैन नहीं है, तू ब्लॉग के चक्कर में मेरी क्यों फिल्म बना रहा है, सो जाने दे, मेरी तबीयत खराब है। तो अजय भाई कॉल पर तो बिल्कुल मना कर रहा है क्लियर कि मेरे को, मैं तो जाऊँगा नहीं भाई, मेरे को उठाने मत आना प्लीज़। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया, अभी मैं घर पर जाऊँगा, देखता हूँ कि वो साथ में जाएगा या नहीं जाएगा, या कैसा मुझे के बाहर उठ के आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और समीर ने तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की, उसको कमीने को तो मैं घर से खींच के लेके जाऊँगा। मैं आपको ना अजय के बारे में एक क्वालिटी बताने वाला हूँ जो आपको शायद पता नहीं होगी, मेरे दोस्त के अंदर ये क्वालिटी भी है यार, देखो आप देखो। जागे अयो सैया, अरे वाह, खिड़की खोल दूंगी, अरे मीठा हो गया। दोस्तों, अजय की ये क्लिप देखने के बाद में आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। गाइस, मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और मेरी इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर दो यार। आप सभी को पता है मेरी इस वीडियो से पहले भी मैं 5-6 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। यार ये मक्खी भी अभी आके बैठने थी ना, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस जगह पर आके होती है कि मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ वो कितने मिनट की होना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरी एक वीडियो 8 मिनट की भी है, 4 मिनट की भी है और एक तो आधे घंटे की भी है। तो गाइज़, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ और अच्छे से अच्छा दिखाऊँ। ठीक है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं आंवला। जैसे मैं पिछली वीडियो में मैं शाहबाद गया था, तो आज मैं आंवले जा रहा हूँ। नवाब फैजुल्ला खां के बेटे हैं नवाब अली मोहम्मद खां, जिनका मकबरा आंवले के अंदर बना हुआ है, उन्हीं का मकबरा शाहबाद में है और रामपुर में भी है। तो आज मैं आंवले जा रहा हूँ और आंवले जाके आपको उनका मकबरा दिखाता हूँ और वहाँ का एरिया पूरा दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो भाई को। तो गाइस, जैसा मैंने बताया था कि मैं अजय के पास जा रहा हूँ, मैं आ गया हूँ अजय के पास। देखिए, अजय सामने से आ रहा है भाई, पानी की बोतल साथ में लेकर आया, मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही थी ना इसके लिए। थैंक यू सो मच भाई, क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए, जल्दी भी उगाड़ो। अच्छा, तो मैं गाड़ी में पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। फुल कर दो, फुल क्या रेट चल लिया है, अरे इतना बजट ना रहने दो। तो गाइज, मैं आंवले के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में उरैना गांव पड़ता है तो वहाँ पर मैं रुका, बाज़ार लगी हुई है, तो मैं बोला क्यों ना बाज़ार भी दिखाया जाए ब्लॉग में तो अच्छा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पर गोलगप्पे वगैरह और टिक्की चाउमीन वगैरह बर्गर मिल रहा है। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये देखिए, उरैना का बाज़ार है, ये छोटा सा बाज़ार है, लॉकडाउन के बाद में मैंने काफ़ी टाइम के बाद में ये बाज़ार लगा, देख रहा हूँ इधर मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग में बाज़ार भी दिखाया जाए। ये देखिए, आइए मैं आपको मछली दिखाता हूँ, मछली ये देखिए, मछलियाँ कैसे तैर रही हैं, आइए दिखाता हूँ आपको अंदर का बाज़ार, आओ। मैं बाज़ार में वीडियो बना रहा हूँ, लोग मेरे को देखने के पता नहीं बंदा क्या कर रहा है, गांव वाला एरिया है ना, देहाती एरिया है, तो भाई नोटिस तो करेगी पब्लिक की, भाई क्या कर रहा है बंदा, कर क्या रहा है आखिर। बस यही होता है बाज़ार ख़त्म, यही था छोटा सा बाज़ार, अब चलते हैं आगे क्योंकि वीडियो भी बनानी है और टाइम हो रहा है। तो गाइज, हम लोग पकड़ने वाले रोड से आंवले के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर। देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मकबरे पे, तो ये रोड कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितना शानदार नज़ारा है, यहाँ का पेड़ों ने बिल्कुल रोड को घेर रखा है, बिल्कुल
छाई है यहाँ पर, धूप का नामो निशान नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मकबरे के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से मकबरा कैसा दिखता है। ये देखिए इसकी सीढ़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं, सब सीढ़ियाँ डैमेज हो चुकी हैं भाई। तो गाइस ये है मकबरे का फ्रंट साइड। अब हम लोग चलते हैं मकबरे के अंदर, मैं दिखाता हूँ मज़ार का मेन गेट। जो अंदर मज़ार है उसका मेन गेट दिखाता हूँ। ये मज़ार का मेन गेट है, आज ये बंद है। 8 दिन में सिर्फ एक दिन खुलता है ये, जुमरात के दिन, बाकी सब दिन बंद रहता है। तो ये गेट है मज़ार का। अब मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कि मकबरा कैसा है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, वीडियो एंजॉय करें। स्किप करेंगे तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई, फिर मत बोलना कि मज़ा नहीं आया। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ आपको इस मकबरे के बारे में कि ये मकबरा किसका है। तो गाइज मैंने जैसे पिछली वीडियो बनाई थी शाहबाद की, शाहबाद में मैंने आपको एक महल दिखाया था, ठीक है। तो वो महल जो था नवाब फैज़ुल्ला खां का था, जो औंले के रहने वाले थे। 1733 में जिनका जन्म औंले में हुआ था, नवाब फैज़ुल्ला खां के ही बेटे हैं नवाब अली मोहम्मद खां, उन्हीं का ये यहाँ मकबरा बना हुआ है। औंले से लेकर शाहबाद, शाहबाद से रामपुर तक जो भी नस्ल है इन्हीं की है, नवाब फैज़ुल्ला खां की। तो उन्हीं के बड़े बेटे हैं ये नवाब अली मोहम्मद खां, जिनके नाम का ये मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ चारों तरफ से कि ये मकबरा दिखने में कैसा है। अंदर भी जाऊँगा, इसका दिखाऊँगा कि ये अंदर से देखने में कैसा लगता है। और ये यहाँ पर बहुत बहुत दूर से घूमने के लिए लोग आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। ये मकबरा तो बहुत अच्छा बना हुआ है ही है। और बाकी जो है यहाँ का जो फील्ड है, फील्ड काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर बैठें, घूमें, आराम से एंजॉय करें, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। मकबरे के चारों तरफ काफ़ी बड़ा फील्ड है और काफ़ी जगह यहाँ पर है, घास इधर आ गई, वरना बहुत दूर तक यहाँ पर फर्श किया हुआ है इस तरीके से। और आगे पीछे काफ़ी मतलब जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, बैठने के लिए। पूरी पूरी फैमिली के साथ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये गुंबद आप देख रहे हैं, गुंबद के ऊपर देखिए पेड़ तक जमाया है ऊपर, लेकिन उसको कोई देखभाल नहीं करता है इसकी। यहाँ पर ये पेड़ जमाया है गुंबद के ऊपर, तो उसको साफ भी नहीं किया गया है ये। और ये घास आप देख रहे हैं, कितने बहुत सारी घास ऊपर मकबरे पर आ गई है, लेकिन अभी तक किसी ने इसको साफ़ नहीं किया है। तो इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको रिपेयर का काम तो बिल्कुल मतलब बंद ही कर दिया गया हो, जैसे इसको बिल्कुल रिपेयर नहीं किया जाता है। और ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें फ़ोटो और वीडियो बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। गाइस हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं नवाब अली मोहम्मद खां के मकबरे पर, ऐसा सुनने में आता है कि इनका शासनकाल जो था सिर्फ 24 दिन का था। राजा बनने के महज 24 दिन के बाद में इनका कत्ल हो गया था, क्योंकि इनकी प्रजा इनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी, राजा मानने को तैयार नहीं थे और लोग इनको पसंद नहीं करते थे। राजा बनने के 24 दिन के बाद में इनका कत्ल हो गया था। और उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई थी अपने टाइम पर, मैं वो आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ कि नवाब अली मोहम्मद खां के हाथ की जो मस्जिद है बनी हुई, उन्होंने जो बनवाई थी वो मस्जिद भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए गाइस ये है वो मस्जिद जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, नवाब अली मोहम्मद खां ने ये मस्जिद यहाँ पर बनवाई थी। और ये मकबरे के जस्ट सामने ही है, देखिए ये रहा मकबरा और ये रही मस्जिद। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये मुहर्रम शरीफ में जो ताजिए हम लोग बनाते हैं, वो ताजिए अंदर रखा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे में ना आ पाए, इस कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी अंदर ताजिया रखा हुआ है। और यहाँ पर ये मस्जिद है, आज भी यहाँ पर नमाज़ होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इतने टाइम के बाद में भी इस ये जो मस्जिद है इसको ऐसे ही आबाद किया हुआ है यहाँ के लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अभी तक इस मस्जिद को आबाद रखा है। तो गाइस ये जो आप मीनार में गेट लगा हुआ देख रहे हैं लोहे का, ये हर मीनार में ऊपर जाने के लिए गेट दिया गया है। यहाँ पर 4 मीनार हैं इस मकबरे के अंदर, तो हर मीनार में एक गेट दिया गया है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी ऊपर जाना किसी के लिए भी अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसका कोई भरोसा नहीं है किस टाइम भी किसी की चोट लग जाए या कुछ हो जाए। तो यहाँ की जो सरकार है उसने इसको लॉक कर रखा है और ऊपर जाने की परमिशन नहीं है बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऊपर आकर मतलब गलत काम करते थे, नशा वगैरह करते थे, इसलिए गेटों को लॉक कर दिया गया है, इसलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो गाइस मैंने ये बात अपने बचपन से सुनी है कि औंले से रामपुर तक एक सुरंग गई थी जो नवाब फैज़ुल्ला खान ने बनवाई थी अंडरग्राउंड,
रामपुर जाने के लिए। तो पहले वो सुरंग शाहबाद गई थी, फिर वहाँ से रामपुर गई थी। तो उस टाइम पर घोड़ों से वो अंदर अंदर जाते थे सुरंग में होकर रामपुर तक। तो उस टाइम पर लाइट का वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो मशाल जलती थी, मशाल। तो मशाल के अंदर 9 मन तेल जल जाता था, तब जाके रामपुर पहुँचते थे। 9 मन तेल का मतलब जानते हो कितना? बहुत होता है 9 मन तेल। मेरे को भी नहीं पता कितना, लेकिन 9 मन बहुत होता है इतना पता है। तो 9 मन तेल आंवले से लेकर रामपुर तक जल जाता था उन मशालों के अंदर, जब वो यहाँ से जाया करते थे। यहाँ से जाते थे शाहबाद, शाहबाद से जाते थे रामपुर। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको शाहबाद में वो सुरंग दिखाई थी जो यहाँ से गई थी आंवले से रामपुर के लिए। तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कभी रामपुर जाता हूँ तो रामपुर जाकर आपको वो सुरंग दिखाता हूँ, ठीक है? वो आंवले से जो रामपुर के लिए गई है, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो सुरंग आंवले से गई है, कहाँ से गई है, उसका गेट है कहाँ। देखिए गाइस, यहाँ से जब आप आएंगे मेन फ्रंट पर, ये मेन फ्रंट है, तो मेन फ्रंट से जो लेफ़्ट वाला जो मीनार है, ये वाला जो मीनार है, इसके अंदर से वो गेट है जो रामपुर के लिए सुरंग गई है उसका। लेकिन अंदर मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको वो गेट नहीं दिखा सकता। लेकिन इतना पक्का पता है इसी मीनार में से वो सुरंग का गेट है जो रामपुर के लिए गई है। देखिए, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं, ये देखिए। तो गाइस, लगभग मेरा ब्लॉग जो है वो शूट हो ही चुका है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है, थक गया हूँ मैं आज यार। अब जो रह गया है, कब्रिस्तान दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। इन्हीं के घराने के लोग हैं कुछ, जिनकी वहाँ पर कब्रें हैं, तो मैं आपको वो कब्रिस्तान दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, लेट्स गो कम ऑन यार। कब्रिस्तान को पहले के लोग बड़ा खूबसूरती से बनाते थे। यहाँ देखो कितना बाकायदा, कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। इधर आइए भाई, चलते हैं अंदर की तरफ। बस दुआ करो कि अंदर तुल्लू ना मिले, सांप ना मिले बस। वाह, ये कब्रिस्तान है दोस्तों, और ये कब्र आप देख रहे हैं बनी हुई, ये कब्र हैं, बहुत पुरानी ये कब्रें हैं। ये निकी फैमिली में से कोई ना कोई रहा होगा जिनकी ये कब्र है यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि ऊपर का हिस्सा जैसे टूट गया हो, लेकिन टूटा नहीं है, उसको इसी डिज़ाइन से बनाया गया था, इसी तरीके से, मतलब दीवार इसकी बनी हुई थी। लेकिन अभी ये डैमेज होता जा रहा है, दिन ब दिन ये डैमेज हो रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती यार, ये पहले के लोग कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करते थे जो 400 साल तक इमारतें इनकी ऐसी खड़ी रहती हैं। तो गाइस, टाइम हो चुका है काफ़ी और हमें जाना है घर। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पर कंप्लीट। तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार कोई शेयर नहीं करता वीडियो, करा करो यार सर, क्या बोला करो यार, दाढ़ी मुझे बढ़ा ली है मैंने यार। हाँ, टेंशन में उसकी दाढ़ी मुझे निकल आई यार, कम से कम शेयर करो यार, बंदे मेहनत कर रहे हैं कुछ तो यार। फूटा हुआ तो जाता है, देखो यार सर फूट गया तो बेचारेगा, तभी बेचारा वीडियो बना रहा है यार।